बालाघाट नगर में कहीं भी वैधानिक रूप से अहाते नहीं है जहां शराब के शौकीन आराम से बैठकर मदिरा पान कर सके। इसके बावजूद भी शहर में चारों तरफ होटलों, ढाबों और अंडे के ठेलों सहित मैदानों में शराब के जाम से जाम टकराते हैं। लेकिन अब ऐसे शराब प्रेमियों के खिलाफ पुलिस ने मैदान संभाल लिया है। जैसे ही जिले के नए पुलिस कप्तान समीर सौरभ ने कमान संभाली, वैसे ही कोतवाली पुलिस फुल फॉर्म में आ गई। मंगलवार की शाम ऐसे स्थानों पर शराबियों के ऊपर कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही की और ढूंढ ढूंढ कर उन्हें डंडों से सबक सिखाया। मंगलवार 1 फरवरी की शाम से लेकर रात तक बालाघाट CSP अपूर्व भलावी तथा कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत अवैध रूप से शराब पिलाए जाने वाले स्थानों पर धावा बोलते हुए पहुंचे और शराब पिलाने वाले एवं शराब पीने वालों की जमकर सबक सिखाया। शराब भली सर, कल शहर में अनेक स्थान पर अवैध शराब कार्रवाई की गई, कितने लोग की जब्ती की गई? कई दिनों से ऐसी जानकारी मिल रही थी कि कुछ ठेले वाले हैं और कुछ ऐसे बस स्टैंड के आसपास ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जहां पे अवैध रूप से लोग शराब पिलाते हैं और असामाजिक तत्वों का मजमा लगा रहता है। तो लगातार वैसे बीट कार्रवाई कर रही थी, लेकिन लगातार शिकायतें फिर भी प्राप्त हो रही थी। तो कल मैं और थाना प्रभारी कोतवाली, यातायात प्रभारी, हमने एक संयुक्त टीम बना के भ्रमण किया। तो कुछ हमें लोग शराब पीते हुए दिखाई दिए, गाड़ी छोड़ के कुछ लोग भाग गए। तो प्रथम दृष्टया ऐसे कुछ दो लोगों पे हमने मुकदमा कायम किया आबकारी एक्ट का, और लगातार यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए भी शहर में भ्रमण किया था। सर, कितने स्थानों पर कार्रवाई? ये लगभग हमने स्टार्ट किया था काली पुतली चौक, रानी अवंती बाई चौक के आसपास के एरिया थे। उसके बाद हम लोग जो बस स्टैंड का एरिया है, कलेक्ट्रेट के आसपास के एरिया, SP ऑफिस के आसपास के एरिया है, हनुमान चौक के पास गए थे। उसके बाद हम लोग जो सराफा गुजरी चौक है उसके पास भी गए थे। जहाँ जहाँ शिकायत प्राप्त हुई बूढ़ी में गए, फिर वहाँ से पता चला कि जो पटरी है बूढ़ी से लेकर भटेरा तक, वहाँ भी असामाजिक तत्व बैठे रहते। तो पूरी लगातार हमने संयुक्त भ्रमण करके चेकिंग की। फिलहाल पुलिस की औचक कार्यवाही से अवैध शराब माफिया, इधर उधर शराब के जाम टकराने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस अब निरंतर कार्यवाही के मूड में नजर आ रही है। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।